पूरे देश में आज भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन को मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रक्षाबंधन पर सालों से चली आ रही परंपरा का उज्जैन में फिर से निर्वहन किया गया है। रक्षाबंधन पर सबसे पहली राखी बाबा महाकाल को बांधी गई। इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। भस्म आरती से पहले विधि विधान के साथ बाबा महाकाल को राखी बांधी गई, जिसके पश्चात 125,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार आज भी रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत भगवान महाकाल के दरबार से हुई। इसी परंपरा का निर्वहन भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को राखी बांधकर किया गया। राखी बांधने के पर्व नंदीहोल और गर्भगृह में फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया था। वहीं बाबा के दरबार में आए श्रद्धालुओं ने कहा कि सबसे पहली राखी बाबा महाकाल को बांधी जाती है, जिसके लिए हम बाबा के दरबार में शामिल हुए। इसके साथ ही बाबा महाकाल ने सभी की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने की। बंधन का त्यौहार शुरू बाबा महाकाल की ओर से करेंगे हम। पहली राखी हमने बाबा महाकाल को चढ़ाई है, उसके बाद हम हमारे भाइयों को बांधेंगे। भगवान हम यही प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारी पूरी रक्षा करें राखी चढ़ा, और उसके बाद हम 125,000 लड्डू का भोग खाकर हमारा सावन का उपास तोड़ेंगे भगवान से। आज रक्षाबंधन का पर्व है और हम सब यहाँ भस्म आरती में एकत्रित हुए थे, और भस्म आरती करते हुए भक्तों ने बहुत आनंद लिया और हमने भगवान को अपने हाथों से बनाई हुई राखी पहनाई और भस्म आरती संपन्न हुई, और इसी तरह 125,000 लड्डुओं का भोग लगा है, वो सभी दर्शनार्थी उसका लाभ लें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। सभी को सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही हमारी ईश्वर से। भस्म आरती का दर्शन देने को मिला यहाँ पर, ये हमारे इष्टदाता हैं, यही हमारे अन्नदाता हैं, और आज हमारे को बहुत खुशी हुई कि इतने सालों में राखी के अवसर पर हमारे को यहाँ भस्म आरती हुई, और यहाँ हमें बहुत खुशी हुई। आज मन खुश हो गया हमारा भस्म आरती करके। यही हमारी इच्छा थी कि काफ़ी टाइम से राखी के अवसर पर हमारे को मौका मिला। श्रावण महोत्सव और श्रावणी पूर्णिमा से विशेष पर्व है, ये शिव का पर्व है, और इस पर्व को आज समापन की ओर है, और आज पूर्ण समापन है पूर्णिमा होने के कारण। तो भगवान महाकालेश्वर की जो भस्म आरती, और भस्म आरती में दिव्य पंचामृत पूजन, भस्म स्नान और भगवान की दिव्य मंगला आरती संपन्न हुई, और संपन्न करके भगवान को, भगवान से सभी की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। रक्षाबंधन होने के कारण 125,000 लड्डू के भोग के साथ साथ यहाँ की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार भगवान महाकालेश्वर को पुजारी और परिवार की महिला द्वारा और भक्तों के द्वारा भी निर्मित की गई, हाथों से जो बना के रक्षा सूत्र एवं राखी जो लई गई है, वो भगवान पर धारण कराई गई। उसका ये प्रथा है, प्रथम भस्म आरती में भगवान को राखी जो बनती है वो पुजारी परिवार के महिला बनाती है और भगवान को बांधी जाती है, इसलिए कि भगवान शिव जो है वो हमारे परिवार के पालनहार भी हैं और हमारे गुरु भी हैं हमारे परिवार के।